तो हेलो दोस्तों, हम आ चुके हैं घड़ियरवा पोखरा के गेट में और घड़ियरवा पोखरा में ढूंढते हैं और घड़ियरवा पोखरा को आप लोगों को सीन बताते हैं जो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं या घड़ियरवा पोखरा देखने। तो चलिए, जो ये है ये घड़ियरवा पोखरा के गेट है और इस हम भीतर ढूंढ कर आप लोगों को सीन बताते हैं। आप लोग देखिए और मेरी वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट करिए। तो चलिए हम घड़ियरवा पोखरा के गेट में चलते हैं। तो देखिए, हम आ चुके हैं घड़ियरवा पोखरा के भीतर और घड़ियरवा पोखरा को आप लोगों को सीन बताते हैं जो भीतर क्या है और कैसा है। तो चलिए हम बताते हैं जो आप लोगों को भीतर का सीन जो कैसा है। और प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके उतना मुझे सपोर्ट करिए, प्लीज़ सपोर्ट करिए। देखिए, कबूतर आके भीतर में चर रहा है, आप लोगों को कबूतर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर कबूतर आकर चर रहा है और ये जो भाई है वो यहाँ पर घड़ियरवा पोखरा के भीतर आके मिठाई बेच रहा है। तो आप लोगों को ये मिठाई भी खा सकते हैं यहाँ पर किन के और इन्जॉय भी कर सकते हैं। जैसे वो देख लीजिए, और मिठाई यहाँ पर आते हैं भाई तो उनका सब खप जाता है, इसलिए आए हैं यहाँ घूमेंगे एक दो बार, सब खप जाएगा। जैसे देखिए कितना कबूतर है, आप लोगों को देखिए ये कितना कबूतर है यहाँ। जैसे आप लोग देख सकते हैं जो ये घड़ियरवा पोखरा के पोखरी है और यहाँ पर बीच में मंदिर है। तो आप लोग देख सकते हैं ये कितना अच्छा है, इसमें बैठने वाला ठाँव है। तो ये देख सकते हैं जो घड़ियरवा पोखरी बोलता है वो यही है और ये है पोखरा जो यहाँ पर छठ आरी आरी आप लोगों को दिख रहा है। यहाँ छठ होता है और ये जितना लोग भी आते हैं यहाँ घूमने और यहाँ बैठने के लिए एक घर भी बना दिया है और यहाँ आप लोग बैठ सकते हैं। तो देख सकते हैं यारी यारी जहाँ पर हमें छठ के दिन में यहाँ पर सब लोग बैठकर छठ करता है। तो जैसे देखिए ये आप लोग, ये क्या है और कितना अच्छा ठाँव है, आप लोग देखकर बताइए ये कितना अच्छा ठाँव है घड़ियरवा पोखरा को। तो जैसे आप लोग ये देख सकते हैं, ये कहीं भी हम लोग बैठ के यहाँ बातें कर सकते हैं, वहाँ कुछ भी कर सके। यहाँ मतलब आप लोग आते हैं घूमने तो यहाँ घूम कर फिर कर जा सकते हैं। तो देखिए ये जो है ये बैठकर आप लोग आराम कर सकते हैं, इसलिए ये घर बना दिया है। तो जैसे ये आप लोग देखिए कितना अच्छा ठाँव है और यहाँ पर आरी आरी कुर्सी भी लगा दिया है आप लोगों को बैठने के लिए पेड़ के नीचे, और यहाँ बैठकर आप लोग भी घूम और बातें कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा इसका सीन है। और हम मंदिर के भीतर बताएंगे जो मंदिर में क्या क्या हो रहा है। जैसे देख सकते हैं ये आप लोगों को एक और भी नज़ारा देखिए, यहाँ कितना अच्छा मंदिर है। सूर्य भगवान की, छठी माता की जय हो यहाँ पर लिखा है। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा ठाँव है ये, यहाँ छठी माता का मंदिर है और यहाँ पर छठ होता है, बहुत ही भारी यहाँ पर छठ होता है। ये बीरगंज में सबसे भारी यहीं छठ होता है, यहीं पर छठ होता है। और यहाँ पर आप लोगों को जब छठ के दिन में आएंगे तो हम छठ के दिन आप लोगों को बताएंगे जो यहाँ पर कितना भीड़ लगता है। तो जैसे देख सकते हैं ये देखिए कितना अच्छा ठाँव है। और हम आ चुके हैं मंदिर के पास, तो और चलेंगे मंदिर में और मंदिर के भीतर बताएंगे जो मंदिर में क्या है और कैसा है मंदिर में। तो देखिए तब तक ये, और हम चलते हैं भीतर जो पोखरी में मंदिर बना है वो पोखरी के भीतर चलते हैं और देखते हैं जो उसमें क्या है। और ऐसे हम चलिए हम चलते हैं मंदिर के पास। चलिए हम आ चुके हैं मंदिर के पास और ये जो बीच में पोखरी है यहाँ पर हम बताएंगे आप लोगों को ये मंदिर में क्या है और कितने लोग पूछते हैं। तो देखिए हम आ चुके हैं मंदिर के पास और देखिए वीडियो
देखिए हम आ चुके हैं मंदिर के पास और भीतर में यहाँ पर है एक पंडित जी और यहाँ जो है सूर्य देव का मूर्ति है और यहाँ देख सकते हैं क्या है और कैसा है। तो बहुत अच्छा है और हम देखिए ये और ये जो है ये भीतर का मंदिर है और यहाँ पर हम लोग यहाँ पर सब पोखरी आप लोगों को दिखाई दे देगा और यहाँ पोखरी आप लोगों को देखिए ये पोखरी है। तो यहाँ पर आइए और चलते हैं हम बाबा के पास टिक्का भी लगवाते हैं और देखिए लोगों देखिए हम बाबा से टिक्का लगा रहे हैं। देखिए हम टीका लगा चुके हैं और चलते हैं यहाँ देखिए आप लोग देखा लोग देख सकते हैं जो यह सूरज देव का जो छठी माता का वो मूर्ति है यह और सूरज देव का यह भी बहुत भारी छठ होता है। यह बिरगज भर के पूरी से सबसे ज़्यादा भीड़ यहीं लगता है और यहीं पर बहुत ही भारी छठ होता है देख सकते हैं आप लोग। और देखिए हम ये मंदिर से चल दिए हैं बाहर और आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा नज़ारा दिखाएँगे। चल दिया है हम मंदिर से बाहर और आप लोगों के एक नज़ारा है वो दिखाते हैं। तो प्लीज़ गाइस आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना क्योंकि ये बहुत ही मेहनत करके हम वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए हम आ चुके हैं बाहर और जैसे देखिए आप लोग और यहाँ पर हरी कितना सुंदर है। तो हम मंदिर तो हम आ चुके हैं मंदिर से बाहर और आप लोगों को दिखाते हैं ये जो बाहर का नज़ारा है वो कितना अच्छा इस पे नज़ारा है। तो आप देख सकते हैं ये जहाँ भी है वहाँ मस्ती करते हैं सब लोग और यहाँ इतना सुंदर है। यहाँ पर ये भाई कैमरा लेकर आ चुके हैं देखिए ये और आप लोग ये नज़ारा देखिए और कितना सुंदर नज़ारा है इसमें। जैसे गाइस ये देखिए लोग यहाँ घर बना चुका है यहाँ आकर बैठ सकते हैं और आराम कर सकते हैं आप लोगों ने और ये विद्यार्थी के लिए है यहाँ पर बात कर सकते हैं दिन भर बैठकर। और ये जो है ये घड़ियाला पोखरा का बहुत ही अच्छा सीन है। तो यहाँ देखिए जो यहाँ पर है यहाँ बात कर सकते हैं अपने गर्लफ्रेंड के साथ या दोस्त के साथ आकर यहाँ बैठ सकते हैं यहाँ कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो ये है घड़ियाला पोखरा का सीन और आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा है और कितना भयंकर इसका नज़ारा है। जैसे गाइस आप लोग ये देखिए जो है अपनी अपनी दोस्तों के साथ अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सब कोई बैठा है यहाँ पर और ये है जो आप लोगों को आरी आरी का उनका सीन है। ये बहुत ही अच्छा सीन है और हम आप लोगों को छठ के दिन के ये सीन दिखाएंगे जो कैसा इसका सीन। और ये है जो देख सकते हैं आप लोग घड़ियाला पोखरा का पोखरी है और यहाँ पर सब लोग बैठता है आकर और देखिए ये कितना अच्छा नज़ारा है दोस्त आप लोग देखिए कितना अच्छा नज़ारा है। यहाँ हर एक चीज़ का व्यवस्था भी है शौचालय है देख सकते हैं ये जो यहाँ पर बैठने वाले
घर भी बना चुका है, यहाँ बैठकर आराम से आप लोग बातें कर सकते हैं। और देखिए देखिए कितना अच्छा ठाव है, जैसे देखिए ये जो देख सकते हैं ये कितना अच्छा ठाव है। तब देखिए ये जो है वो आप लोगों को ये नज़ारा देखिए। और यहाँ पानी पर चलने के लिए आप लोगों को गाड़ी भी देता है। ये देखिए जो आप लोगों को बैठने का ठाव यहाँ पर बहुत ही अच्छा है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ बैठ के बातें कर सकते हैं दोस्तों को साथ और गर्लफ्रेंड को साथ, आप लोग बैठ के यहाँ बातें कर सकते हैं। ये बच्चा के लिए खेलने के बना दिया है, आप लोग अगर खेल सकते हैं। और देखिए ये जो है आप लोगों ने यहाँ बैठकर और ये जिम करना है, ये सब आप लोगों को शाम है कि ये देखा दे, देखिए ये सब देखिए। तो ये टूट चुका है और ना दौड़ने वाला जो है यहाँ पर, जैसे हम दौड़ सकते हैं तो जैसे देखिए ये, और यहाँ पर टूट चुका है। तो यहाँ सब खेलने वाले भी व्यवस्था बना कर रख चुका है, आप लोग देख सकते हैं। ये जैसे आप लोग गाड़ी चलाने वाले आप लोग गाड़ी चलाते हैं तो यहाँ पर सब आप लोग एक बहुत ही अच्छा बना दिया है। जैसे आप लोग ये देखिए, और यहाँ पर आप लोगों ने ये सब खेलने वाले सामान आप लोग साइकिल हाँकना चाहते हैं आप लोग बैठ कर हाँक सकते हैं यहाँ पर, और बैठिए और यहाँ पर बैठ कर आप लोग ऐसे साइकिल हाँक सकते हैं। तो आप जैसे देखिए ये आप लोगों ने ये हाँक सकते हैं, जैसे देखिए ये सब खेल रहा है। देखिए जैसे ये सब खेल रहा है और ऐसे ऐसे होता है। तो ये बैठने वाले बहुत ही अच्छा ठाव है और ये सब देखिए देख सकते हैं ये कितना अच्छा ठाव है घूमने वाले आप लोगों को। और बताए घड़ियरवा पोखरा ये है जो घड़ियरवा पोखरा इसको बोलता है, और बिरगज का बहुत ही अच्छा ठाव है और यहाँ छठ होता है। तो आप लोग बहुत दूर दूर से लोग ये घूमने आता है, जैसे देखिए। तो जैसे यह देख सकते हैं आप घड़ियरवा पोखरा जो बोलता है ये है, बहुत ही दूर दूर से लोग आते हैं ये घड़ियरवा पोखरा में देखने। और यहाँ पर जो छठ होता है वो बहुत ही भारी होता है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि चारों कोन पर जो अपने घर बना के रख दिया है, बैठकर आप लोग दोस्तों को साथ और गर्लफ्रेंड को साथ बात कर सकते हैं। यहाँ पर होटल भी रख दिया है, अगर आप लोगों को कुछ भी खाने का मन करता है वहाँ कोल्ड ड्रिंक आप लोगों को पीने का मन करता है तो आप लोगों को ये सब रख दिया है, यहाँ पर से हम लोग कीन कर खा सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए आप लोगों को सामने जो है ये होटल है, और यहाँ पर से हम लोग कीन के खा सकते हैं, यहाँ पर जो चाहे वो हम लोग कीन के खा सकते हैं। तो जैसे देखिए आप लोगों को ये जो है बहुत ही अच्छा ठाव है, और ये जो घड़ियरवा पोखरा बोलता है ये पोखरी है, और इसी पोखरी में जो नहाने का आप लोगों को नहाने के भी पाइप, जैसे आप लोग देख सकते हैं ये जो है डेंगी है, इसमें बैठकर हम लोग घूम सकते हैं। ये अभी नहीं चालू हुआ है, डेंगी है जो आप लोग देखिए ये डेंगी है, यहाँ पर हम लोग चलाकर घूम सकते हैं। तो जैसे देखिए ये आप लोगों को अगर घूमने का मन है तो यहाँ पर टिकट लगता है, एक घूमने का अलग से टिकट लगता है पानी में, और पानी में हम लोग जाकर घूम सकते हैं। जैसे ये देखिए कितना अच्छा अच्छा चित्र बना कर यहाँ रखा है, और ये है जो आप लोगों को नहाने का वो चीज़ छूट देता है, और यहाँ पर आप लोगों को
सूट देकर ये नहाता है। जैसे वो पानी में दिख रहा है आप लोगों को, वो कोना में जो डेंगी है वहाँ 2 नंबर डेंगी, आप लोग वहाँ बैठकर पानी में चला सकते हैं। तो अभी नहीं कोई चलाता है क्योंकि अभी थोड़ा दिन घाम हो गया, इसलिए कोई नहीं चलाता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये जो घड़ियारवा पोखरा था हम पूरे घूम चुके हैं और आप लोगों को पूरी बता चुके हैं। तो देख सकते हैं ऐसा, अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो ये जो है जो डेंगी है, अगर हमारे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट करिए। और आप लोगों को ऐसा ऐसे मैं सीन बताता रहूँगा। तो प्लीज़ हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।